जिला मंडी के सुंदरनगर में प्रशासन व पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इस कारण आम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि सुंदरनगर में या तो कोई नियम नहीं है, यदि है तो सिर्फ चंद लोगों के लिए। सुंदरनगर में NH21 चंडीगढ़ मनाली पर स्थित रेस्ट हाउस चौक के समीप कबाड़ियों द्वारा कई वर्षों से सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हाईवे पर कबाड़ का सामान और लोडिंग व अनलोडिंग कर अतिक्रमण जारी है। हैरानी की बात ये है कि इस अवैध धंधे को चलाने वाले कबाड़ियों के सामने सुंदरनगर प्रशासन और पुलिस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा ही वाक्य तब देखने को मिला जब इन कबाड़ियों की दुकानों के ठीक सामने स्थित सामुदायिक भवन में एक आयोजित एक राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम के दौरान सरेआम नियमों को ताक पर रखकर जिला व उपमंडल के उच्च अधिकारी DC, SP, SDM, SHO, VDO सहित अन्य अधिकारियों के सामने हाईवे पर अतिक्रमण कर कबाड़ उठाया जा रहा था। इसके बावजूद मौके पर मौजूद प्रशासन व पुलिस अधिकारी कर्मचारी खामोश रहे और इन कबाड़ियों के आगे अपनी बेबसी जग जाहिर कर दी। हालांकि प्रशासन व पुलिस द्वारा अपनी बेबसी छुपाने के लिए कुछ समय के अंतराल के बाद इन कबाड़ियों का चालान काटकर अपने निहित ड्यूटी से इतिश्री कर दी जाती है। इस कबाड़ के कारण मौके से गुजरने वाले लोगों को NH21 चंडीगढ़ पर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता है, जिसे कई लोग काल का ग्राफ बन गए हैं। NH21 के किनारे कुछ लोगों ने कुछ गाड़ियां अपनी बिना मतलब से खड़ी कर रखी थी तथा कई लोगों ने कबाड़ खाना भी खोल रखा है, जिससे आम जनता के लिए और ट्रैफिक के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसमें समय समय पर कानून में कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कुछ जो कबाड़िये हैं जिन्होंने सामान सड़कों में लगाया होता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरी यही आग्रह रहेगा कि जो भी गाड़ियों के मालिक हैं, सड़क NH के किनारे गाड़ियां खड़ी ना करें, कबाड़ सड़कों में ना रखें, जिससे आम लोगों के लिए आने जाने के लिए और यातायात के लिए असुविधा पैदा होती है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।